हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, ग्राफ पर बेस्ड हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन है किसी मटेरियल के लिए, तो यंग्स मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहां में एक चीज ध्यान देनी है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो यंग्स मॉडुलस आपका होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो अगर आप इस कर्व का स्लोप निकालना चाहें तो ये होगा y अपॉन x, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यदि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू निकालें तो हम कोई सी भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास एक स्ट्रेस की वैल्यू है 150, जो कि एग्जैक्ट स्ट्रेन पे आ रहा है 0.02 पे, मतलब 150। लेकिन स्ट्रेस की जो स्केलिंग है वो 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो इनटू हम 10^6 करेंगे अपॉन 0.002। यहां से डेसिमल हटाइएगा, यहां ऊपर 1000 से गुना कर दीजिएगा और 2 से ये 75 बार में चला जाएगा, तो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 75 × 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को थोड़ा और सुंदर बना के लिख दें तो 7.5 × 10^10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपकी क्या हो गई? यंग्स मॉडुलस हो गई। दूसरा पूछा जा रहा है आपसे यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है कि वायर जो है वो क्या कर दे, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करना बंद कर दे जिस पॉइंट पे वायर में डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। तो इस वायर की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे वायर जो है वो क्या कर रहा है, वो इलास्टिसिटी एग्जिबिट करना बंद कर दे रहा है। इस पॉइंट पे वायर जो है वो क्या कर रहा है, देखिए इलास्टिक था पहले, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था यहां से और यहां पे ये क्या हो गया, कर्व हो गया। तो यील्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके इक्वल होगा, तो ग्राफ में देख के पता चल रहा है 300 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था ग्राफ पर बेस्ड था। ग्राफ में सिंपल सा चीज, हमें एक चीज ध्यान देना था कि यदि आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, वो आपको यंग्स मॉडुलस देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां देखिए, यहां क्या दिया जा रहा है, यहां पे दो ग्राफ आपको गिवन है, ए और बी, मटेरियल ए और मटेरियल बी के। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल्स हैव अ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ग्रेटर किसका है? तो भाई साहब, यंग्स मॉडुलस ग्रेटर उसका होगा जिसका स्लोप क्या हो, ज्यादा हो। और यहां पे अगर आप स्लोप निकालना चाहेंगे तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, इस कारण से यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। यहां पे थोड़ी आपको क्या हो सकती है, थोड़ी आपको दिक्कत भी हो सकती है स्लोप निकालने में कि एग्जैक्ट हम स्लोप की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए, हमें स्लोप निकालने के लिए क्या करना है कि हमें यहां पे y एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन यहां पे खींच देना है और यहां पे क्या करना है, x की वैल्यूज को ले लेना है। तो जब आप y बाई x करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पे स्लोप किसका ज्यादा है, a का ज्यादा है। दूसरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है? तो भाई साहब, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वही क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे कि हमने स्टील और रबर के केस में भी देख रखा है कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो रबर से ज्यादा होता है, और ये तो हमें प्रैक्टिकली पता ही है कि स्टील जो है वो रबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने यहां पे वापस से दो चीजें देखा, यंग्स मॉडुलस उसका ज्यादा जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप ज्यादा, और स्ट्रॉन्गर मटीरियल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गर मटीरियल वो होगा जो आपका क्या हो, जो आपका यंग्स मॉडुलस ज्यादा रखता हो।
तो आज के क्लास में हमने मात्र दो क्वेश्चन डिस्कस किए एनसीईआरटी के सेकंड एंड थर्ड। आगे के वीडियोस में हम बाकी एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।